हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर टू डी एडिटर बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेटर टू डी एडिटर विच इज़ वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज वेल इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। पूरा पैटर्न बताऊँगी, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको बोर्ड्स में पूरे मार्क्स आएंगे लेटर टू दी एडिटर में। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा वो वीडियो भी, क्योंकि वो आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन में आपके पूरे पूरे अंक मैं दिलवाने के लिए कसम खाई हुई हूँ, और आप पूरे अंक लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी लेटर टू डी एडिटर कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है एड्रेस। एड्रेस अब भाई किसका आप लिखोगे? एड्रेस अपना लिखोगे कि आप रहते कहाँ हो। आपके क्वेश्चन में रहेगा यू आर दीपाली, यू आर राजन, यू आर फ्रॉम दिस 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 प्लेस, और आपको लिखना है लेटर टू डी एडिटर, और टॉपिक आपका वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है इनकेस, तो आपको अपना ओरिजिनल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव करने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है। डेट कब का लिखेंगे? अरे भाई, डेट हम जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का लिखेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होता है, तो आप मार्च का डेट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और अगर आपका जिस तारीख को मतलब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, उस तारीख का यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे लीव करना है। एक लाइन लीव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? दी एडिटर लिखेंगे। अब टू सीबीएसई के हट गया है, टू अब नहीं लिखते हैं सीबीएसई में, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे द एडिटर लिखना है। दी एडिटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जो जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। हम लोग ज़्यादातर द टाइम्स ऑफ इंडिया को ही लिखते हैं। अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम नहीं लिखते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देंगे। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस तो न्यू दिल्ली में है, तो यहाँ पे हम न्यू दिल्ली का लगा देंगे, लिख देंगे न्यू दिल्ली। उसके बाद वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड आपको अगर याद नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है। उसके बाद लिखना है सर। सर लिखने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो आपके क्वेश्चन में जो टॉपिक रहता है ना, कि आपको जिस टॉपिक पे लिखना है द लेटर टू द एडिटर, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट आपको उसमें लिखना है। मार्क कर लीजिएगा वहाँ पे पेंसिल से अगर पॉसिबल होगा तो, ऐसे तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना इनकेस, तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके सब्जेक्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अब क्या हो गया? वाटर क्राइसिस इन कवि कौशिक नगर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या हो गया? वाटर क्राइसिस इन कवि कैलाश नगर, ठीक है। उसके बाद अब हमको ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमको एक लाइन फिर से लीव करना है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो हमने आ रहा जो है उसको हम एक्सपैंड करके अपना जो प्रॉब्लम है डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे। चलिए बॉडी में आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ किस तरीके से आपको बॉडी लिखना है। बॉडी में आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके जो न्यूज़पेपर जो है उसमें से मैंने जाना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन आवर लोकैलिटी, ठीक है। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम एक लाइन लीव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि आपके न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा आपके न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाला है, रिस्पेक्टेड है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ, आपका अटेंशन थोड़ा ड्रॉ करना चाहती हूँ कि हमारे जो लोकेलिटी है वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन लीव करेंगे। उसके बाद हमको लिखना है इज़ इट स्टिल अर्ली समर एंड द रेसिडेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग अक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द एरिया।
अभी गर्मी का समय है, अभी भी गर्मी ख़त्म नहीं हुआ है और हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हो चल रहा है, इतना लिख देंगे। उसके बाद द सप्लाई इज कट ऑफ एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग एंड इज रीस्टोर्ड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग। यानी कि जो पानी जो है वाटर कट 8:30 बजे सुबह में हो जाता है, जिसके कारण हम आधे घंटे के लिए केवल शाम में फिर वो ओपन होता है 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 6 PM टू 8:30 AM इन मॉर्निंग एंड इज रीस्टोर्ड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग बिटवीन 6 PM टू 7 PM। क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सिंस द टाइमिंग आर इरेक्टिक द मेनी पीपल स्पेशली द वर्किंग कपल्स आर अनेबल टू स्टोर वाटर। यानी कि जो वर्किंग जो कपल जो हैं, जो मतलब ऑफिस चले जाते हैं, घर पर नहीं रहते हैं, उन लोगों को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग घर पे अगर नहीं रह पाते हैं तो पानी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम अपना प्रॉब्लम को, जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, frequent complaints to the jal board haven't yielded any result as the any result frequent complaint for to the jal board haven't yielded any result as the authorities express their helplessness, saying that one of tank hyper power treatment plant in under repair and has shut down for a month or so, thereby affecting water supply in the area। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बट इट इज़ नियरली 1.5 months सिंस द प्रॉब्लम बिगेन, येट देयर इज नो रिप्लाई टू द रेसिडेंट्स। ठीक है, अपना प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है, यानी कि पैराग्राफ को चेंज करना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द जल बोर्ड शुड इन मीन टाइम मेक प्रोविजन फॉर वाटर टैंकर्स एट डिफरेंट हॉर्न ऑफ द डे, ऑल्सो मेजर्ड मस्ट बी टेकन टू एक्सपेडाइट द रिपेयर वर्क। इतना हम लिख देंगे तो हमारा जो जितना भी हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से डिस्कस हो जाएगा। इतना में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर लीव करना है और अपना परिचय बताना है। तो आप अपना परिचय कैसे बताओगे, लिखोगे योर्स ट्रूली और अपना जो नाम होगा वहाँ पे, यू आर नम्रता, यू आर कनिष्क, जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे मेरा नाम था नम्रता कौशिक, तो मैंने यहाँ पे नम्रता कौशिक लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये था तरीका कि प्रॉपर वे में लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।